कार में फंसे सात लोगों को बचाया सीएम ने की बात, युवक को बताया एमपी का गौरव, 1 लाख रुपए देने की घोषणा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में ब्रेक चिपकने से तेज रफ्तार कार 4 बार पलटी खाते हुए खंती में जा गिरी। हादसे के कारण कार के गेट लॉक हो गए थे, 7 लोग अंदर ही फंस गए थे। तभी वहां से गुजर रहे बाइक सवार युवक ने अपने हाथों से कार के कांच तोड़कर लोगों की जानें बचाई। गुरुवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटने के बाद वीडियो कॉल के जरिए उस युवक वारिस खान से बात की। उन्होंने तारीफ करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। वारिस खान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बताया कि मैं बाइक से बीनागंज जा रहा था, घोड़ापचार नदी के पास सामने से आ रही कार खंती में जा गिरी। मैंने बिना देरी कर अपने हाथ से कांच तोड़े और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। वारिस खान प्लम्बर का काम करते हैं, वह ब्यावरा के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वारिस के इस साहसी काम की तारीफ करते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुसीबत के समय में एक दूसरे की सहायता करना ही सच्ची मानवता है। आपके इस कार से सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आप मध्य प्रदेश के गौरव है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को 15 अगस्त पर लोगों की मदद करने वाले साहसी लोगों को सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शिवपुरी के जवाहर कॉलोनी निवासी बुजुर्ग जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र चिंतालाल शर्मा को हार्ट संबंधी बीमारी है। वे बुधवार सुबह घर से भोपाल में डॉक्टर के पास जाने के लिए कार से निकले थे। कार बेटा राजेश शर्मा चला रहे थे, साथ में राजेश की पत्नी पूजा शर्मा और छोटे भाई की पत्नी ऋतु शर्मा, राजेश का बेटा राम शर्मा और 2 छोटे बच्चे भी थे। एबी रोड हाईवे पर कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, आगे और पीछे कोई वाहन भी नहीं थे। घोड़ा झाड़ नदी से पहले अचानक से कार के ब्रेक चिपक गए, इससे राजेश ने कार से संतुलन खो दिया। क्या नाम है आपका? मेरा वारिस खान नाम है जी। क्या घटना हुई थी कल? मैं बीनागंज काम करने जा रहा था, उधर से ये गाड़ी आ रही थी, इसमें ब्रेक चिपके गाड़ी की, वो गाड़ी पलटी मारी, पलटी मारने के बाद गाड़ी वापस मैंने घुमाई, मेरी गाड़ी छोड़ के मैं इनको बचाना। आप कैसे थे? बाइक से थे जी जी। फिर मैंने घुमा के गाड़ी मेरी पटक के फिर इनको बचाने चले गए। गाड़ी पलटी थी, बच्चे दबे थे जी। मैंने अपने हाथ से कांच फोड़ा, उन बच्चों को हेड़ा, हेड़ने के बाद गाड़ी मैंने सीधी करी, अकेले गाड़ी भी सीधी करी। हाँ, गाड़ी सीधी करके जो महिला थी वो वजन डाउन में, वो भी हिट नहीं पा रही थी, उन्हें हेड़ा। उसके बाद फिर मैंने फोन लगाया, टोल से गाड़ी आई, एम्बुलेंस उसमें बिठाया, फिर उनको काम छोड़ के मेरा अस्पताल आया। अस्पताल में मैंने इनके ट्रीटमेंट देखा। तो आपके भी कोई चोट लगी क्या? मेरे ये हाथ चिराया था और मेरे ये कलेजियाँ लगी थी जी जी जी। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है, वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है। ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। एक पास से गुजरने वाले शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए ये लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे, सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, उन्होंने वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लॉक उनने, अब चूंकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों का अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो उनने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए के देने का इनाम की घोषणा भी की है। कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ कि दुख तकलीफ कष्ट में हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे। ऐसे लोगों से ही मध्यप्रदेश को गौरव मिलता है और हमारे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी नाम होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई।